लखनऊ में सहकारी बंधु सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए अमित शाह का खुद सीएम योगी ने स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। दिखाते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, देखिए। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर 70-80% जनता अपनी खेती बाड़ी और अपने स्वयं के कारोबार में लग करके स्वावलंबन की जिंदगी गुजर बसर कर रही है, उन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए, न्यू इंडिया यानी नया भारत के निर्माण के लिए जिस प्रकार के संकल्प को हम सब को एक मंत्र के रूप में दिया है, उस संकल्प को साकार करने की सुदृढ़ नींव भारत जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले देश में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर कहीं से सुदृढ़ हो सकती है तो उसमें सहकारिता आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित किया और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश के सामने, दुनिया के सामने है। हम सब जानते हैं कि 1982 में अहमदाबाद में एक बूथ अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य प्रारंभ किया। लेकिन सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए आप सभी कार्यकर्ताओं पर को इस बात के लिए गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत ही एक कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के रूप में की। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह मार्गदर्शन करोड़ों लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन और खुशहाली लाने का कारण बन सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि विगत दो लगभग 23 महीनों के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर कुछ करने में हम लोग सफल हुए हैं तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन इस दिशा हम सब के लिए बहुत बड़ा संबल रहा है। पहली बार ये बात सामने आई कि यहाँ के किसानों को MSP के रूप उनकी उपज को क्रय किया जाना है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2003 से 2017 मार्च तक जिस प्रकार की सरकारें थी उनके एजेंडे में विकास नहीं था, किसान नहीं था, नौजवान नहीं था, उनके एजेंडे में कहीं भी सुशासन नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से उनसे कोई भी ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि वो किसानों के हित के बारे में और इस देश के कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ कर सकते। 15 वर्षों की अराजकतापूर्ण शासन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता आंदोलन इतनी खराब स्थिति में नहीं होता जो हम सबको एक वर्ष पहले जिस स्थिति में सहकारिता की स्थिति हम सबको देखने को मिली। 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार ने पदभार ग्रहण किया। 1 अप्रैल से प्रदेश के अंदर धान गेहूं क्रय की एक नीति प्रारंभ होनी थी, गेहूं क्रय केंद्र प्रारंभ होने थे। जब मैंने विभाग के अधिकारियों से बातचीत की कि भाई क्या है इसमें आपका रवैया, क्या कर रहे हैं आप लोग, उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ भी कार्य किसानों से सीधे नहीं होता, आपके माध्यम से सारे कार्य होते हैं और प्रदेश सरकार इस मामले में नहीं पड़ती है, सब कार्य जो लोग अपना करते हैं प्रदेश सरकार को इससे बहुत वास्ता नहीं है। मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फोन किया, मैंने कहा यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, उन्होंने कहा नहीं किसानों से सीधे सरकार खरीदे और अच्छा होगा कि जिन राज्यों में अच्छा काम होगा उसको एक बार आप देखें, कोई टीम भेजें। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिनकी अनुकंपा से आजादी के बाद पहली बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम प्राप्त हो रहा है और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 2017 से ही पहले वर्ष में हम लोगों ने गेहूं का 37 लाख मीट्रिक टन और पिछले वर्ष हम लोग 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से करने में सफल हुए।
धान का विगत वर्ष हम लोगों ने 42 लाख मीट्रिक टन सीधे किसानों से खरीदा और इस वर्ष अब तक 47 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से करने में सफल हुए और आरटीजीएस के पैसा उनके खाते में देने में सफल हुए। तो इसकी प्रेरणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की थी, जिनका कहना था कि नहीं, पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर का पैसा या उससे अधिक पैसा किसानों को। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।